और अब बात करते हैं कानपुर देहात की, जहां जिलाधिकारी नेहा जैन की अध्यक्षता में व्यापार बंधु की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित हुई। बैठक में व्यापार बंधु के प्रदेश महामंत्री श्याम मोहन दुबे द्वारा व्यापारियों की समस्याओं के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि रूरा कस्बे में रेलवे का अंडरपास बनने के कारण मेन रोड क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे व्यापारी परेशान है। इस पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी रूरा को निर्देशित किया कि मामले की जाँच कर उचित कार्यवाही करें। इसी प्रकार सिकंदरा एवं बिलहौर के मध्य झिझक रेलवे स्टेशन के पास अंडरपास में अंधेरा होने के कारण व्यापारियों को खासा कठिनाई होने की शिकायत पर उन्होंने अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत झिझक को शीघ्र अंडरपास में लाइट व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने माती बस डिपो पर अतिरिक्त बसें एवं स्टाफ बढ़ाए जाने की मांग की है, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा शीघ्र निस्तारण हेतु आश्वस्त किया है। उनके द्वारा रनिया उद्योगों में घटनाओं के चलते जनपद कानपुर देहात और रैया आदि जनपदों के मजदूरों को उद्यमियों द्वारा हटाए जाने से जनपद में बेरोजगारी की स्थिति की जानकारी दी गई है। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि उक्त मामले की जांच कर समस्याओं का निस्तारण शीघ्र कराएं। वहीं जिलाधिकारी ने बैठक में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी को समय पर उपस्थित न होने पर कड़ी फटकार लगाते हुए अधिकारियों को समय पर बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। वहीं जिलाधिकारी ने जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि विभिन्न स्थानों क्षेत्रों में पृथक पृथक कैंप लगाकर अधिक से अधिक खाद्य सुरक्षा के लाइसेंस बनाएं। इस पर जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने व्यापारियों की सुविधा को दृष्टिगत ऑनलाइन प्रक्रिया समझाते हुए बताया कि लाइसेंस हेतु वेबसाइट www.fos.cos.fssai.gov.in पर जाएं, जिसमें 12 लाख से कम आमदनी के व्यापारी की वार्षिक फीस 100 रुपए है एवं 12 लाख से ऊपर की आमदनी के लिए 2000 रुपए है। उन्होंने कहा कि 12 माह से पूर्व 11 माह के अंदर तक आवश्यक रूप से प्रतिवर्ष लाइसेंस रिन्यूअल कराएं। वहीं बताया गया कि फर्टिलाइजर यूरिया का रेट 266 रुपए है, जो कि दुकानदार 290 से 92 रुपए में किसानों को देते हैं। इसी प्रकार डीएपी के रेट 1350 रुपए हैं, जिसको दुकानदार 1420 से 25 में देते हैं। इस पर जिलाधिकारी ने व्यापारियों एवं वितरण की बैठक कर दरें निर्धारित करने हेतु आश्वस्त किया है। वहीं व्यापारियों के कानपुर से कानपुर देहात आने जाने हेतु टोल प्लाजा में व्यापारियों को टोल निःशुल्क पास जारी करने पर चर्चा की गई। इस पर जिलाधिकारी ने एनएचआई टोल अधिकारी को निर्देशित किया कि उचित कार्यवाही करें। वहीं जिलाधिकारी ने व्यापारियों को हर घर तिरंगा अभियान में अच्छा सहयोग करने पर सभी को बधाई दी और इस मौके पर बिंदुवार चर्चा की गई। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन केशव नाथ गुप्ता, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व जेपी गुप्ता, समस्त अधिशासी अधिकारी नगर निगम अधिकारीगण एवं व्यापारीगण उपस्थित रहे।